यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय आह्वान पर जनपद झांसी के किसान यूनियन नेताओं द्वारा केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान बिल को लेकर किसान आंदोलित है। केंद्र सरकार द्वारा लागू उक्त बिल को किसान विरोधी बताते हुए किसान सड़कों पर निकलकर आंदोलित एवं आक्रोशित है। सड़कों पर आंदोलन करते हुए झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबेडकर चौराहे कस्बा मऊरानीपुर में एकत्र होकर किसानों द्वारा अंबेडकर चौराहा से जुलूस निकालकर तहसील बस स्टैंड का चक्कर लगाते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबेडकर 13 में वापस पहुंचकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सड़कों पर उतरे किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में खंड विकास अधिकारी मऊरानीपुर को प्रधानमंत्री भारत सरकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन देते हुए वीडियो से प्रधानमंत्री आवास शौचालय किसानों की समस्याओं पर अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की समस्याएं समाधान न होने पर किसानों द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मऊरानीपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज यहाँ पे किसानों ने चक्का जाम किया था, क्या मांग रही है इनकी? किसानों की जो समस्याएं हैं, जो कृषि बिल लाए गए हैं इनके विरुद्ध, और इनका कहना है बिजली नहीं आ रही है, शौचालयों की भी समस्या है, इन सब समस्याओं को लेकर के किसानों का ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और जाम था। तो सर चक्का जाम को लेकर के सर मेन इनकी क्या रही समस्या? मेन वही समस्या कि इनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो दिल्ली में इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कुछ के खिलाफ मुकदमे लगाए गए हैं और पानी की बौछारें की गई हैं, उसी विषय पर इनकी ये चक्का जाम था और यही कि कृषि बिल वापस लिए जाए। मुख्य बात आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया किसानों को? इनका आश्वासन, इनका ज्ञापन लेकर के किसानों के द्वारा ज्ञापन लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से होते हुए शासन स्तर तक ये ज्ञापन भेजा जाएगा। जी आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, किस मुद्दों पर लेकर दिया जा रहा है? भारत सरकार जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ़ मैं आज समूचे देश में, केवल उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा नहीं, समूचे देश में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन पे है और ये आंदोलन धरातल पे आग के रूप में काम करेगा। अगर किसानों के खिलाफ जो बिल आया है उसको सरकार वापस नहीं लेती है तो ये जंग पीछे हटने वाली नहीं है, आगे बहुत लड़ाई होगी। आज आपका कब तक जाम रहेगा यहाँ पर? जाम लगाएंगे ये 3 बजे तक रहेगा जाम। 3 बजे तक आप जी किसको आप ज्ञापन देंगे यहाँ पर? यहाँ BDO साहब आ रहे हैं, SDM तो है ना, DM के प्रतिनिधि हैं, BDO साहब आगे रहेंगे आप लोगों की। नहीं क्षेत्रीय मांग तो रहेगी लेकिन बिल तीनों वापस लिए जाएं और जो मतलब किसान का बगैर समर्थन मूल्य के माल खरीदा जाता है उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए। जिन किसानों ने बिजली के लिए अपना सब कुछ बेच करके 1 साल पहले अपना पैसा जमा किया है उनको 68,000 छूट पर ही कनेक्शन होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। आप लोगों का यहाँ पे चक्का जाम रहा है, आप लोगों की क्या समस्या रही है? हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, सभी किसान पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। जो जो देश में अध्यादेश जो बिल किसान विरोधी जो बिल पास किया गया है इसको लेकर के है कि इसको सरकार आँखें खोले और अपना बिल वापस लें। जैसे जो न्यूनतम रेट उन्हें धरातल पर किए थे कि गेहूं 20 का खरीदा जाएगा, तो आज क्या करके हर मंडी में देख लीजिए 13 का गेहूं खरीद रहे हैं खरीददार। हम लोग इसको लेकर के कि आप लोग आके खोलिए, हम लोग वोट दे करके किसान वोट दे करके सरकारों को बनाने का काम करता है। आज किसान भूखा नंगा फिरे किसान कैसे होगा देश में देश महान? आज किसान नंगा फिर रहा है, किसान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी जाना नहीं चाहते वापस, स्थितियाँ हैं, किसान परेशान है। किसान रोड पर इसलिए आया है कि अपना जो आपका बिल है उसको आप वापस ले लीजिए, एक किसान विरोधी बिल है इसको वापस करें, नहीं तो किसान रोड पर क्या ट्रेनें जाम करेगा और किसान मजबूरी बस। मैं देखिए फैमिली के माए बच्चे सब लोग आए हैं, महिलाएं वही रोड पर बैठे हैं। आज मऊरानीपुर में अंबेडकर तिराहे पर किसानों ने किया चक्का जाम। राष्ट्रीय खजुराहो मार्ग पर झांसी जाने वाली रास्ते को जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किसानों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज चक्का जाम किया है। मऊरानीपुर इंडियन प्राइम न्यूज़ से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।